चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसी का बहम अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में बैठ जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे। आपसे एक निवेदन है, आप लोगों से एक निवेदन है, समय दे दो, चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यहीं रहते हैं, या मजबूरी समझ लो। कप्तान साहब को कहो जी, वो नहीं कह रहा, वे बैठे सुन रहे। बुढ़ाना हो या कुछ हो, अगर पुलिस किसी के दबाव में आओगे, दबाव मार पे ज्यादा दबाना हुआ है। हमने 2013 के दंगे तक दबाव बनाना सीख लिया था। अब हमारे बीच में हमारे गुलाम मोहम्मद जोड़ा जी पुराने साथी देखोगे सब जा रहे हैं। वैसे ये एक ही टाइम पर आगे गलती तो हमारी, पर हमने कभी इनसे संबंध नहीं छोड़ा, नहीं छोटे इन्होंने भी नहीं। और पहले से टिके साहब के साथ रहे, परिस्थितियां बहुत सारे, लेकिन साथ एक जोरदार नारा वही लगवाओगे जो पहले लगवा रहे थे, खुद ही लगवाओगे। ये झुंडे जो हर महादेव वाले हैं भाग जाने से हर हर महादेव। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इसलिए भी आया हूं कि 4 तारीख को मेरे साथ एक बहुत बड़ा बलात्कार हुआ। बहुत बड़ा धोखा, बुढ़ापा में जो है कल खराब, 10 गाड़ी लेकर जो है सरदार भीम सिंह मेरे पास पहुंच गए। पहले जी वो समाधान दिवस है, जन कल्याण समिति सिसोली में फोन तो उनका भी रहा था मेरे पास, मैंने कहा था मैं भाई आराम कर रहा स्वस्थ नहीं। पहले जी वो किसानों की पंचायत है, वो कुछ नहीं है, 20 संगठन के नाम गिनवाए, पहले वो सब आए हुए हैं। और मुका वे कुनी बुलाए, पहले वो तो वे जाने
मैं चलो वहां देख लेंगे, मेरे साथी बैठे पीछे राशिद अजीम इन्हें लेकर मैं आया। तो जब तक विश्व संगठन थे जो हमारी यूनियन में से निकले हुए थे हम जैसे ही, उनसे मैं बात करता रहा कर्मचारी से। तो मेरा नाम जब वो ये आए पंचायत में भाजपा विधायक जी, तो मेरे कान खड़े हुए, मगर भाई तो मामला गड़बड़ है। तो उन्होंने मेरा नाम घोषणा करी, कहना बाबा गुलाम मत अपने विचार रखे, मगर मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो बड़ा खराब है। तो मैंने जब विचार नहीं रखे, राशिद अजीम हमारे पीछे खड़े हैं, मैंने इन्हें कहा भाई चल अपना फोरम पूरा कर ले, इसने दो चार बात कही। तो मैं बस बात में उनके विधायक जी के विचार होने थे, तो विधायक जी का जब नाम हुआ तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के तो नारे सुने हमने कानून में, मगर भाई तो मामला गड़बड़ है, हम तो धोखे में आ गए। वो भाई भाषण तो मैं इसलिए नहीं दिया, जब भाजपा वाला आ गया तो मैं सलमान का क्या काम यार। तो भाई दोस्तों बात ऐसी है, भाषण तो आपने बहुत सुन लिए, देखो भाजपा वालों का जो नारा है कहले क्या तो जाओ पाकिस्तान जाओ क्या जाओ कब्रिस्तान, अगर मुसलमान ने तुम्हें नारा हटाना है तो इनके तो ढापे लगेंगे, और मुसलमान ने तुम भी जरदा बिरयानी इतनी लाजोगे जो इनके ढापे ठाली बैठे हैं, तो जब 1-2 हजार झोटे खा जोगा तो कहेंगे ना। तो ये अपना नमकीन मुंह करेंगे, मुंह लगे लोगों के थारे खाने को खाओगे और कन्ने खाने के। अरे तादाद की बात ये है कि एक देशी मुहावरा है, जब कातर का दिन आवेगा काम के ढप्पू आवे, इनके दिन आज ये खराब। धरने चल रहे सब कुछ हो रहे, 8 महीने हो लिए यो सरकार, 8 महीने की क्या पड़ती हो रही, 1 महीना हो रहेगा कुछ ना कुछ होगा जो, और जो ज्यादा होगा तो फिर दिल्ली पैदा होगा, जितने दिन बढ़ेगा फिर जो है अलग सुनाई लेगा, फिर हम इसे बिल्कुल पैदा कर ही देंगे ठीक ठाक। दोस्तों ये भरम काटने के लिए आया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी वैसे ही, कि मुझे धोखे से मतलब कहते उन्होंने पहले जी सम्मान दिवस बताने चलता था जल कल्याण समिति का, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँ कि मेरा जीवन जो है राजनीति से शुरू हुआ, मेरे दो गुरु हुए राजनीति में, तो वीरेंद्र वर्मा का आपने नाम सुना होगा, 1960 में उनके यहाँ भर्ती होगा तो 87 तक उनके पास रहा, 27 साल वर्मा जी के साथ रहा और नंबर वन ही बनकर रहा। उनके बाद में 87 में चौधरी साहब ने पार्टी बना दी किसान यूनियन, वर्मा जी ने मुझे सलाह दी भाई मैं तो भाजपा में चला गया, तू चौधरी साहब का दौरा चला जाओ। चौधरी साहब गांव में गए, मुझे कह ले भाई मुझे तेरी जरूरत है, मैं चलो जी। तो 27 साल में मेरा 54 साल तो जट्ट में रहा, मेरी तो उम्र सारी जट्ट में गई। 13 में तो झगड़ा हुआ, एक पंचायत हुई बहुत बड़ी मुसलमानों की, कह लेते 3 मार दिए सैनपुर में जाकर, ये मोहम्मदपुर वाले बैठे प्रमुख साहब, मैं कहना तुम क्या जाओ जी अस्ते बजे तो मैं दे दिया, कहले संगठन बना लो भाई। लेकिन मैं एक बात बतानी चाहूँ, जो मेरे दो गुरु रहे ना, तो मैं दोनों का पैर उंगली ठा सकता है मानने की, और यहाँ भरी पंचायत कोई मेरे पे भी नहीं ठा सकता है उनके चेले पर क्यों बेईमान रहा। सच्चाई जो है 1-2 साल की बात है, मैं बुढ़ापे में अपनी जून क्यों खराब करूं भाई। हमारे चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, रिश्ते दो हों, एक खून का रिश्ता है एक उम्र का रिश्ता। खून का रिश्ता जो है मेरे लड़का जो है वो मेरा बेटा है, जबरदस्ती को बाप कहना पड़ेगा, अगर मेरा बेटा मेरे जैसे को बाप कहेगा तो वो ज्यादा खुश होगा मेरे मुकाबले, क्योंकि मेरा तो ही मेरा इस घर से जो है 30 साल का तजुर्बा है, मैं यहाँ 30 साल तक इस घर का नमक खाया है, मैं नमक खराब नहीं रह सकता। दोस्तों आखरत है, मुसलमानों की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा के 5 तारीख में इतनी तादाद दिखा दो, क्योंकि अगर मामला
वैसे भी चला है जान बचाने का, तो ये पुलिस वाले तो है नहीं, ज्यादातर मुसलमानों को भर रहे, जेल में भी तादाद मारी है। अगर यो कांड चल जाए जेल भरो का आंदोलन, तो ये जो राशन भेज रहा योगी, हम तो जेल में पूरा कर लेंगे वादा। तो हमें जेल में भी, क्योंकि सबसे पहले किसान यूनियन में मैं ही जेल का आता सबसे पहले रजबपुर से, हमें तो रबत पड़ रहा। मेरा आश्वासन यह है कि आप लोगों से आगे बढ़ चढ़ कर हर काम में रहेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं। और लोग बाग जो इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुसलमान भाई भाजपा भाजपा तो मतलब भाजपा नहीं है, तो राशि का मामला है। राम रावण की एक राशि थी, राम ने रावण मारा। कंस कृष्ण की एक राशि थी, कृष्ण ने कंस मारा। मंदिर मस्जिद की एक राशि है, जहां जिसकी तादाद थी उन नगर जगह। और बाकी और भाजपा की एक राशि है, देखो कौन सा काम हो। तो असलियत तो यह है कि तो राशियों की लड़ाई चलती, वैसे ही बाकी बने और वैसे भाजपा बने, तो वो अपना दिन देख लो। मारा तो टेम आने वाला नहीं, उनका आ रहा दिखे। लेकिन दूसरी बात ये, हमारे साथ भी चैनल वाले गए थे मेरे घर, बात कर रहे थे जी आपका भाजपा विधायक ने आपको बुलाया था, खुद गए थे। मैं कह लगा मेरे गेट पर ठोका हुआ, मुझे तो सम्मान सम्मान दिवस बता रहे थे, माना सिसोली सा मेरा लगाव है, मैं चला। और जब मैंने देखा वहां तो सम्मान दिवस कुछ हो रहा है, पता मैंने बोल देते, मैंने कर दिया, मेरे भाषण देना आता नहीं। तो दोस्तों वक्ता बहुत रह रहे, मैं सिर्फ सब भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा। और खासकर मुसलमानों की तरफ से भी आपका आश्वस्त करता हूँ कि ये भी आपके साथ तन मन धन से आपका जहाँ आप पसीना पड़ेगा खून देने को तैयार है मुसलमान। इसी तरह की कोई जो खुनामन में रही है लक्षणबाजी, लक्षणबाजी में तो भाई समझौता हो ही रहा है, जिसका होगा जो कैंडिडेट आओगे उसे सपोर्ट करो। और भाई दूसरी बात जो है, किसी को पैम हो तो अभी बता दो, अभी तो मैं ही खड़ा, बाद में बहुत मेरे पीछे बहुत लग रही है चक्कर में। नहीं नहीं दिशा हो बता दो, अब तो मैं सामने खड़ा। हाँ मैं भाई एक बात तो बताओ भाई, एक कुरान से मैं